सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं शकरपड़िया से आगे। आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि हम लोग पाकिस्तान मोनूमेंट देखने गए थे बच्चों के साथ। वहां से हमने फिर अपना सफर जारी रखा डायनो वैली की तरफ, जिसके बारे में हमने बहुत सुन रखा था। केपी के नजारा शुरू हो गया, यहाँ से केपी के स्टार्ट हुआ। एंड हियर वी आर इन द डायनो वैली। बहुत नाम सुना था इसका, बहुत ज़्यादा नाम सुना था, तो आज फाइनली हम लोग आए हैं बच्चों को लेके इस जगह को एक्सप्लोर करने। और यहाँ पे हमें ये वाली राइड लेनी पड़ रही है। खूबसूरत जगह बनाई है इन्होंने, हर जगह पे गार्डन्स बने हुए हैं। बेबो उधर देखो, डायनो आ रहे हैं, डायनो। ओह माय गॉड, बिल्कुल रियल लग रहा है, बिल्कुल रियल। ये देखें, सच में ऐसा लग रहा है ना कि हम उस डायनो एरिया में चले गए हैं। बच्चे इतना डर गए उनको देख के। मेरे सामने आके चीख मारिए। तो इसीलिए तो लोगों को रियल फीलिंग देने के लिए वैली बनाई गई है ना, डायनो वैली। अब ऐसा लग रहा है कि हम हजारों सदी पीछे चले गए, जिस जमाने में डायनासोर्स थे वो। बहुत ही खूबसूरत जगह बनाई है, बहुत ही मजेदार, अपने आप में एक बिल्कुल एक वंडरलैंड है, सच में एक वंडरलैंड है। और काफी ज्यादा रश, पीछे म्यूजिकल शो हो रहा है डायनासोर्स का। मैं दिखाती हूँ आप लोग। यहाँ पे हर जगह पे डायनासोर्स बने हुए हैं, और डायनासोर्स की जितनी भी किस्में हैं ना वो बनाया गया है। और बिल्कुल एक रियल फीलिंग ही है, एक एक्चुअल फीलिंग है। आगे जो डांस कर रहे थे उनके रोरिंग से हम लोग इतना डर गए, बच्चे इतना डर गए, सच में बहुत ही में एक वंडरलैंड है, सच में एक वंडरलैंड। टॉकिंग ट्री का
टॉकिंग ट्री। स्टोरी बता रहे हैं ये दरख्त। अच्छा खासा ट्रेवल है और काफ़ी ख़तरनाक राइड है, बहुत सारे मोड़ हैं, बहुत केयरफुली ड्राइव करना पड़ता है। जो कोई भी यहाँ आए ना, सही गाड़ी लेके और एक एक्सपर्ट ड्राइवर लेके आए, क्योंकि रास्ते ख़तरनाक हैं और बहुत केयरफुली ड्राइव करनी पड़ती है। और यहाँ आने के बाद तो भाई एक अलग ही दुनिया में आप लोग आ जाते हैं। झूले लगे हुए हैं बड़े बड़े, लेकिन इनमें बैठने की हमें तो कम से कम हिम्मत नहीं है। लेकिन वैसे ही बंदे यहाँ पे घूमने फिरने आए और ये सारे अजूबात देखने आना चाहे ना, तो बहुत ही बेहतरीन जगह है, बहुत ही बेहतरीन जगह है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर उसके बदले में इतना अच्छा आपको व्यू और इतनी अच्छी ज़बरदस्ती चीज़ें आपको देखने को मिल रही है ना, तो वो पैसे कुछ भी नहीं है। स्टोरी टेलिंग हो रही है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आगे जाने के लिए ना आपको 800 चार्ज करते हैं पर पर्सन, और दो साल से बड़े, दो साल तक बच्चे फ्री हैं, उससे बड़े जो हैं एज के उनके लिए 800 चार्ज करते हैं। काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन इट्स वर्थ इट। जो मज़ा यहाँ पे आ रहा है, जो इन्होंने जगह बनाई है ना, इट्स टोटली वंडरफुल। हर तरफ डाइनोस ही डाइनोस। यहाँ पे बच्चे अपनी हाइट चेक कर रहे। Look at this. बेबी डायनासोर अभी अंडे से निकल रहे। डायनासोर का स्केलेटन बना हुआ है सामने वाले गेट पे, और उसके साथ देखें एक और बड़ा डायनो हमें वेलकम कर रहा है मुंह खोल के। Another dino valley. यहाँ पे बच्चों का प्ले एरिया भी है। हमने तो इन्हें सिर्फ कार्टून्स में देखा है या तो फिर हॉलीवुड की मूवीज में देखा है। आज हमें लग रहा है कि हम किसी हॉलीवुड की किसी सेट पे आ गए। मजा आया। बच्चे बैठे थे रोलर कोस्टर ट्रेन में। यहाँ से फिर हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अलग ट्रैक है। बच्चे नीचे चले गए झूले लेने, और ये देखें डायनासोर्स के स्केलेटन्स बने हुए हैं यहाँ पे। हर डायनो के साथ उसकी पूरी डिटेल लिखी हुई है उसके बारे में। हाँ?
वहाँ से फिर हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अलग ट्रैक है। बच्चे नीचे चले गए झूले लेने, और ये देखें डायनासोर्स के स्केलेटन्स बने हुए हैं यहाँ पे। हर डायनो के साथ उसकी पूरी डिटेल लिखी हुई है उसके बारे में। काफ़ी ऊंचाई है, काफ़ी हाइट है, लेकिन इतने खूबसूरत ट्रैक बने हुए हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो इतनी थकावट का एहसास नहीं होता। और साथ साथ ये जो चीज़ें बनी हुई हैं ना, एक मिनट वो दिखाती हूँ आपको, एग्रेसिव मूड में है। और नीचे ये बहुत ही प्यारे प्यारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, यहाँ पे फूड का भी पूरा सिस्टम है। अंदाजा लगाएं कि हम कितना ऊपर होते जा रहे हैं। चार्ज मेरा ख़त्म होने को आया है। जब भी मैं किसी अच्छी जगह पे जाती हूँ ना, मोबाइल का चार्ज जो है ना वो साथ छोड़ देते, तो आज भी कुछ इसी तरह का सीन हो रहा है मेरे साथ। यहाँ पे ना हर तरफ से डायनासोर्स की आवाज़ें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि हम सचमुच में इनकी दुनिया में चले गए हैं। ये खूबसूरत जगह है, अगर गर्मियों में बंदा इधर आए ना, तो यहाँ की आबो हवा, यहाँ का एटमॉस्फेयर, हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त है। आज शुक्र है कि बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, तो इतनी सर्दी नहीं है, इतनी सर्दी का पता नहीं चल रहा। आवाज़ें सुन के थोड़ा डर लग रहा है। आई स्वेयर मैं बहुत डर गई थी एकदम से, यहाँ आई आवाज आई पीछे से। ये उस जमाने के एलिफेंट्स होंगे, हमारे वाले थोड़े से एडवांस हैं। तो देखा आपने एलिफेंट्स, दौर के साथ साथ ना शक्लें भी बदल जाती हैं। मेरे ख्याल में ट्रैक यहाँ तक है, यहाँ से आगे नहीं जाती। ट्रैक यहाँ तक है, अच्छा यहाँ पे एंड हो जाती है। अच्छा, तो यहाँ से ऊपर जो नज़र आ रहा है वो अभी बन रहा है, वो बन रहा है ठीक। और सबसे एंड वाला नज़ारा जो है ना, वो बहुत ही मज़ेदार है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये हम ट्रैक के एंड पॉइंट पे आए हैं, ऑलमोस्ट पहाड़ी के चोटी के करीब करीब हैं। यहाँ से आगे अभी बन रहा है, तो यहाँ पे आके फ़िलहाल एंड है। मैं दिखाती हूँ यहाँ एक जो है ना मज़े की चीज़ है। हेलो, चिंपैंजी के पास हम लोग आए हैं। तो जनाब यहाँ पे आके जो है ना एंड हो जाता है, और है तो ऊपर तक बिल्कुल पहाड़ी की चोटी तक, लेकिन अभी बन रहा है। तो दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ दिस डाइनो वैली ट्रैक। देख लें हम इस पहाड़ी के बराबर आ गए हैं, बिल्कुल बराबर में। हर जगह पे हर तरफ आपको डायनासोर्स ही डायनासोर्स। यहाँ से हम होते हैं वापस नीचे की तरफ, लंच करेंगे, और लंच करने के बाद वापस जाएंगे घर की तरफ। काफ़ी लंबा रास्ता है और जगह बहुत ही खूबसूरत है। गर्मियों में अगर आप आएंगे ना, तो बहुत ही मज़ा आएगा। फ़िलहाल सर्दी का मौसम है, थोड़ा सा ख़ुद को कवर करके आना पड़ेगा यहाँ के लिए। और बच्चे अगर आपके साथ हैं, तो बच्चों को फुली कवर करके आए। मौसम का कुछ पता नहीं है, क्योंकि बहुत ही पहाड़ी इलाका है, यहाँ किसी भी टाइम मौसम ख़राब हो सकती है। और अगर आना है तो सुबह सुबह घर से निकलें, ताकि 10-11 बजे कम से कम 11-12 बजे के करीब यहाँ पे पहुँचें, क्योंकि उस टाइम जो है ना यहाँ का टेम्परेचर धूप निकलने के बाद सही होता है। तो बाकी शाम के टाइम तो यहाँ आने का सोचे ही मत। एक तो ये चीज़ें इतनी डरावनी डरावनी एकदम से मुंह खोल देते हैं,
और आवाज़ें इतनी डरावनी हर तरफ से आ रही हैं और सर्दी भी बहुत होगी, इसलिए दिन के टाइम आएँ, बच्चों को कवर करके आएँ और अच्छी गाड़ी लेके आएँ, एक्सपर्ट ड्राइवर लेके आएँ, क्योंकि जो रोड है यहाँ तक पहुँचने का काफ़ी ख़तरनाक है, काफ़ी रिस्की ड्राइव है। तो सेफ़ ड्राइव करें, इंजॉय करें और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें यहाँ पे आके, बच्चों का स्पेशली बहुत ख्याल रखना है। ये डाइनो साहब जो हैं ये हमसे टिप लेने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। डाइनो इनकाउंटर टिप बॉक्स, टिप नहीं चाहिए देखो। You're welcome. Baby horse. यहाँ इस ट्रैक से हम लोग वापस हो रहे हैं। अभी जो है ना ठंडी ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं, सर्दी स्टार्ट हो गई है और अभी बज रहे हैं तकरीबन 3 बजे, 3:30 हो गए हैं और अभी हम जा रहे हैं वापस और नीचे किसी रेस्टोरेंट में जाके हम लोग लंच करेंगे और उधर से बस घर की तरफ। आज का हमारा ये ट्रिप डाइनो वैली का सबसे बेस्ट रहा। इस पहाड़ के बिल्कुल ऊपर तक इसको इतनी खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है और इतना रियल इफेक्ट दिया है ना इस एरिया को, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग। वैसे यार चेयर लिफ्ट भी है, अगर कोई चाहे तो चेयर लिफ्ट में भी बैठ सकता है। लेकिन तो ये जी आ गया है हमारा लंच, चिकन कढ़ाई, फैजान बी केयरफुल, गर्म है और नीचे इन्होंने कुछ हीटिंग का सिस्टम किया हुआ है जिसकी वजह से ये कढ़ाई ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जो है ना चूल्हे पे पक रहा हो। अभी बज रही थी रात के 7 बजे, हम लोग घर पहुँचे और अभी डिनर की तैयारी हो रही है। इधर सैलड साथ में बाजी ने बनाया है काबली पुलाव। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसके साथ ही मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा अल्लाह।